फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहा हूं और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं, अगर उस मेथड को आप एक या दो बार देख लो तो मुझे विश्वास है कि आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला कैसे आता है वो आपको पता चल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम सभी जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करूं ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, हम सभी जानते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन क्या कभी आप सोचे हो कि अगर ए प्लस बी पे पावर फोर आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, या फिर ए प्लस बी पे पावर फाइव हो जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, या फिर ए प्लस बी पे पावर अगर सिक्स हो जाए तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, या फिर ए प्लस बी पे पावर सेवन हो जाए तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, या फिर ए प्लस बी पे पावर टेन सडनली आपको कुछ भी दे सकता है और वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं, अगर आप उस मेथड को एक बार देख लो तो मुझे विश्वास है कि आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला कैसे आता है वो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने इन दोनों फॉर्मूला को क्या कर दिया, मिटा दिया, तो यहां पे मैं अगर बात करूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें नहीं आता है, मैं भूल गया हूं कि क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो पावर है आप ए को क्या करो, उस पावर ए पे पावर लिखो। क्या करेंगे, यहां पे जो पावर होगा इस पावर को सबसे पहले ए पे पावर लिख दो, उसके बाद आपको करना क्या होगा, इस पावर को आप यहां लिखो, मैंने लिख दिया, अब ए पे जो पावर है वहां पे क्या होगा, एक पावर आपका घट जाएगा। तो ए पे पावर कितना था, टू था, तो हमने अब यहां जो लिखना है हमें वो क्या करना है, दो में से घटा के लिखना है। और आप देख रहे हो कि इस टर्म में जो बी पे पावर है एक्चुअली में बी पे पावर क्या है, जीरो है। एक्चुअली में जो बी पे पावर है वो क्या है, जीरो है। हम सभी जानते हैं कि बी पे पावर जीरो, किसी भी क्वांटिटी पे पावर अगर जीरो रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। ए क्या है, एक नंबर है, ये जो नंबर है किसी भी नंबर पे पावर जीरो उसका वैल्यू वन, ए पे पावर जीरो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा। तो यहां पे बी पे पावर ए का बड़ा है, मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया मैंने कि यहां पे क्या किया, ए का स्क्वायर लिख दिया, प्लस साइन है तो प्लस साइन, टू ये जो पावर है इसे यहां लिख दिया, ए पे पावर ए क्या किया घटा दिया, और बी पे पावर जीरो था तो जीरो में से पावर क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो बी पे पावर कितना हो जाएगा, हमारा वन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको और इनको, इस ए का जो कॉफिशियंट है और यहां पे जो है वन ए पे पावर, आपस में उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, अभी तक हमने कितना टर्म लिखा, टू टर्म, तो इस टू से आप क्या करना, डिवाइड करना, तो कितना आ जाएगा, हमारा वन आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, वन वन को लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, ए पे पावर, अब बात करेंगे तीसरा टर्म के लिए, तो ए पे पावर कितना आ जाएगा हमारा, ए पे पावर जो होगा वो एक और माइनस होगा, तो ए पे पावर कितना आ जाएगा, जीरो, तो वहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। तो यह हो जाएगा बी पे पावर एक बढ़ा के लिख देंगे, वन को हमें लिखना नहीं है। अब मैं बात करूं इसकी, अगर आपको इस, क्योंकि ये छोटा सा समय है, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो आप आगे देख सकते हो कि मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर है वो थ्री है, ए पे पावर थ्री हो जाए। अब क्या करो, थ्री को यहां लिख दो, ए पे पावर जो थ्री था वहां से एक माइनस करेंगे और बी पे पावर एक इंक्रीज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या किया, ए का क्यूब थ्री ए का स्क्वायर बी पे पावर वन। अब क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू टू, अभी तक कितना टर्म लिखे हैं, टू टर्म, इसको क्या करो डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, थ्री। तो हमारे पास थ्री इंटू ए पे पावर वन बी पे पावर कितना आ जाएगा, यहां पे टू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस थ्री को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री इंटू वन डिवाइडेड बाई थ्री, वैल्यू कितना आ जाएगा, वन, तो वन को लिखना नहीं है। अब ए पे पावर जीरो हो जाएगा, वन आ जाएगा, ए पे पावर क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे। अगर मैं बात करूं, जैसे हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, ए प्लस बी पे पावर फोर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे, फिर से ए पे पावर क्या कर दो, फोर, फोर इंटू ए पे पावर थ्री बी पे पावर वन, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमें नहीं पता, जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा हमें नहीं पता,
तो क्या करेंगे, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3, अभी तक हमने कितना टर्म लिखा है, 2 टर्म, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहां पे 6, a का स्क्वायर, b का भी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या है हमें नहीं पता, जब नेक्स्ट टर्म आपको ना पता हो तो क्या करेंगे, इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, अभी तक कितना टर्म लिखे हैं, 1, 2, 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 4, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए पे पावर 1, बी पे पावर क्या हो जाएगा, क्यू, ए बढ़ जाएगा। फिर मैं अगर नेक्स्ट टर्म हमें क्या होगा, हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमें नहीं पता, फिर क्या करेंगे, इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तक कितना टर्म लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 से क्या करो, आप डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि बी पे पावर कितना आ गया, 4 आ गया। तो मैं यहां पे मैं जो बता रहा हूं आप इजी वे में थोड़ा सा ध्यान दो, मैं कैसे कैसे फॉर्मूला को लेके आ रहा हूं, आप भी क्या कर सकते हो, इजी वे में बना सकते हो। अब देखो अगर मैं बात करूं a प्लस बी के पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा, हमें नहीं पता कि a प्लस बी के पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या करेंगे, a के पावर 5 प्लस 5 इंटू a के पावर कितना आ जाएगा, 4, b के पावर 1। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमें नहीं पता, तो नेक्स्ट टर्म के लिए इस 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 5 है इस वाले 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 4, अभी तक कितना टर्म लिखा हमने, 2, तो इस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 10 आ जाएगा। तो यहां पे हमें क्या करना है, जो 10 लिखेंगे यहां पे 10 a का स्क्वायर क्यूब, बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या होगा अभी भी हमें नहीं पता, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, इस 10 को फिर से क्या करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तक हमने कितना टर्म लिखा है, 1, 2, 3, 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहां पे भी 10 a का स्क्वायर b का क्यूब। अब फिर से नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमें नहीं पता, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, इस 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 * 2 अभी तक कितना टर्म लिखा, 1, 2, 3, 4, 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इसलिए 2 कैंसिल, इसलिए कितना आ जाएगा, 5, a पे पावर 1, b पे पावर कितना, 4। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमें नहीं पता, क्या करेंगे, फिर से वही रूल, इस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, अभी तक कितना टर्म लिखा है, 5, 5 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगा 1, तो आ जाएगा b पे पावर 5। तो आप खुद से कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो मैथड में बता रहा हूं, अगर वो मैथड आप बनाओगे एक बार दो बार, तो आप भी सीख जाओगे कि कैसे फॉर्मूला आ रहा है। अगर मैं a प्लस बी पे पावर 6 का फॉर्मूला लाना चाहूं तो वो कैसे आएगा, तो यहां पे हो जाएगा a पे पावर 6 प्लस 6 इंटू ए पे पावर 5 इंटू बी पे पावर 1। अब नेक्स्ट टर्म के लिए हमें नहीं पता नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म के लिए मैं क्या करूंगा, इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6, बार बार एक ही में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हमेशा आप ही मल्टीप्लाई करना, एक ही जो पावर रहेगा उससे उसके कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई करना, इजी वे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 पे पावर 6 इंटू 5 है, यहाँ पे 2 टर्म हम इधर लिखे हैं, उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये कितना जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये 15 आ गया, ए पे पावर कितना आ जाएगा, 4, बी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब फिर से हमें नेक्स्ट टर्म क्या है हमें नहीं पता, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कितना है, 15 है, तो 15 इंटू 4, अभी तक कितना टर्म लिखा है, 1, 2, 3, 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5, वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, तो ये कितना आ जाएगा, 20, बी पे पावर ए पे पावर 3, बी पे पावर कितना आएगा, 3। नेक्स्ट टर्म क्या है हमें नहीं पता, अब क्या करेंगे, इस 20 को फिर इस 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तक कितना टर्म हमने लिखा है, 1, 2, 3, 4, 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 5, वैल्यू कितना आ जाएगा, 15, तो 15 a का स्क्वायर b के पावर 4 प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा। अब इस 15 को क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 into 2, अभी तक हमने कितना टर्म लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, तो आ जाएगा 6 a पे पावर 1, b पे पावर कितना, 5। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमें नहीं पता, फिर से नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 1, यानी कि b पे पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब लास्ट वन हम देखेंगे यहाँ पे, आप प्लीज दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैं a माइनस बी का भी बताऊंगा, सारे कैसे होगा कि a माइनस बी पे पावर भी आ रहा है, कुछ भी है उसका रिजल्ट आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, a पे पावर 7, b पे पावर 7 इंटू ए पे पावर कितना आया, 6, b पे पावर 1 प्लस। अब देखो इस 6 को इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 6, कितना टर्म आगे लिखा हमने, 2 टर्म लिखा, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा वैल्यू कितना आ जाएगा, 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21, a पे पावर 5, b पे पावर 2, ये कितना आ जाएगा, इस 21 को क्या करेंगे, 21 इंटू 5, अपन अभी तक हमने कितना टर्म लिखा, 1, 2, 3, तो 3 से क्या कर दो आप उसको, डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 7, 35 आएगा, तो यहां पे आ जाएगा b पे पावर 4,
सॉरी ए पे पावर 4 और ये आ जाएगा बी पे पावर हमारा 3। अब क्या आ जाएगा, इस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × 4 डिवाइडेड बाय कितना टोटल लिखा 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितना आ जाएगा 35 भी आएगा। ये 35 ए पे पावर 3 बी पे पावर 4, मैं देख रहा हूं ए पे पावर क्या करेंगे, ए के क्या करेंगे घटाते जाएंगे, बी पे पावर ए के क्या करेंगे इंक्रीज करते जाएंगे। अब क्या हुआ हमारे पास, इस 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 3, अभी तक हमने कितना टर्म लिखा 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 से डिवाइड कर दो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 21, तो 21 ए का स्क्वायर बी पे पावर 5 प्लस। अब क्या करेंगे, इस 21 को 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, इससे आ जाएगा ये 3 और ये आ जाएगा 7, तो 7 ये कितना आ जाएगा ए पे पावर 1 बी पे पावर कितना 5। अब हमें नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म पहले इस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अभी तक कितना टर्म लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड भी कर दो, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल यानी कि 1 आ जाएगा, तो बी पे पावर कितना आ जाएगा 7। अब मैं बात करूं, अगर ये तो प्लस वाला हो गया, आप कहोगे कि भैया प्लस वाला तो हो गया लेकिन अगर माइनस आता तो क्या करते, इसमें माइनस करने का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस सॉरी a माइनस बी पे पावर 4, a माइनस बी पे पावर 5, a माइनस बी पे पावर 6 या फिर a माइनस बी पे पावर 7। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो मैंने मेथड बताया इसको आप क्या करो एक दो बार देखो आपको समझ में आएगा। और अब मैं जो बताने जा रहा हूं जो माइनस वाले के लिए क्या करेंगे, तो जी हाँ दोस्तों माइनस वाले के लिए सपोज दैट हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर होता है, या फिर अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab² और माइनस b का क्यूब, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब मैं यहां पे एक बात बताने जा रहा हूं, हमारे पास जो b है, जो b है क्या मैं इसको a माइनस जो b है इसका जो होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको a प्लस माइनस b इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया यहां पे माइनस b के साथ रख दिया प्लस साइन, हम ये कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी देखोगे जहां पर b है उसके आप कॉन्सेंट्रेट करो कि अगर मैं माइनस की बात करूं इसको आप क्या करो बिटा दो यहां पे, अगर मैं माइनस की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हो, तो माइनस के लिए आप क्या करोगे सारे जगह में अगर माइनस होता यहां पे भी 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 माइनस होता, कहने का मतलब है अब मैं बी पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि बी पे पावर क्या है, हम सभी जानते हैं कि माइनस 1 पे पावर अगर 2 है इसका वैल्यू 1 होता है और अगर माइनस 1 पे पावर 3 है इसका वैल्यू माइनस 1 होता है, कहने का मतलब ये अगर माइनस कोई चीज है और उस पे पावर इवन नंबर है तो ऑलवेज उसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और कोई चीज अगर माइनस में है उसके पावर अगर ऑड नंबर है तो ऑलवेज उसका वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। तो यहां पे वही चीज करेंगे, अगर मैं नेगेटिव वाला फॉर्मूला बनाने जाऊं a माइनस बी का स्क्वायर, तो जहां पर b पे पावर क्या है ऑड है उसके सामने आप क्या कर दो माइनस लगा दो, उसके सामने आप क्या कर दो माइनस लगा दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, क्यों b पे पावर क्या है हमारे पास ऑड नंबर है, यहां पे b पे पावर क्या है इवन है तो इवन में हम साइन चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां पे भी साइन चेंज होगा आपका, यहां पे नहीं होगा, यहां पे आपका साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे आपका नहीं होगा, अगर मैं इससे बात करूं यहां पे साइन चेंज होगा यहां पे नहीं होगा और यहां पे आपका साइन चेंज हो जाएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे भी क्या होगा साइन चेंज होगा, यहां पे आपका साइन चेंज हो जाएगा और आपका यहां पे क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे भी साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे क्या होगा साइन चेंज होगा आपका, यहां पे भी होगा वहां पे नहीं होगा, यहां पे भी होगा आपका यहां पे होगा और आपका यहां पे होगा और आपका एक यहां, तो ये बन गया आ गया आपका फॉर्मूला a माइनस बी वाला। अगर किसी भी फॉर्मूला अगर कोई भी फॉर्मूला को मैं देखूं तो मैं बता सकता हूं कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3ab² + 3ab² और माइनस का b क्यूब, यही तो होता है।
दूसरा क्या होगा, a माइनस बी पे पावर अगर 4 का देखूं तो ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर माइनस वाला पूछे अगर मेरे को प्लस वाला याद है, अगर आपको भी अगर याद नहीं है तो हमने जो मेथड बताया आप उसी मेथड से चलना, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पर b पे पावर ऑड नंबर आए उसके सामने आप क्या कर दो, माइनस साइन लगा दो, और जो हमारे पास d पे पावर जो इवन नंबर है उसके सामने आप क्या कर दो, प्लस साइन लगा दो। तो आप क्या करोगे, इस सिंपल मेथड से अगर आप एक बार दो बार देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, इस मेथड से अल्जेब्रिक फॉर्मूला किस तरह से आया वो निकाल सकते हो। सडनली कोई भी अगर पूछ दे a माइनस d पे पावर 10 क्या होगा, तो मैं इस मेथड से क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों मैं एक बात कहूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक में डाल दूंगा, तो आप प्लीज उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं एक चैनल है मेरा, जो खुद का चैनल है, ये हमारा अनु क्लासेस के नाम से है। आप प्लीज एक बार इस चैनल को सर्च करना, और मेरा वीडियो बहुत सारा बनाया हुआ है और मैं आगे भी बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।